तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे सभी बढ़िया होंगे। मेरा नाम है प्रियांशु सरपंच, आप देख रहे हो 707 ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत वंदन है। और कमेंट सेक्शन बताना ब्लॉग नंबर कौन सा है, मे बी 33 या 34, आई डोंट नो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये कौन सा ब्लॉग है। और भाई आज सुबह से पापा ने हमको काम दे दिया कि गाड़ी की सर्विसिंग, मतलब जो बुलेट है उसका ब्रेक आवाज़ कर रहा है और 15,000 किलोमीटर चल चुकी है वो गाड़ी, तो उसके सर्विसिंग के लिए कॉल आ रहा था क्योंकि आज उसकी लास्ट डेट है सर्विसिंग की। मतलब शोरूम से 3 या 4 सर्विसिंग फ्री मिलती है, तो ये उसकी लास्ट सर्विस है जो फ्री होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़्यादा पैसे लगते सर्विस में। और उसकी आज लास्ट डेट, कभी आज नहीं लेकर गए तो सर्विस फिर फ्री नहीं होगी। और भाई बुलेट की सर्विस इतनी कॉस्टली है, क्या बताऊँ। लगभग एक सर्विस, मतलब अगर नॉर्मली ऐसे करवाए तो 3-3.5-4 हज़ार रुपये लगते हैं, बहुत होते हैं अभी। और ठीक है, तो अभी चलते हैं। मैंने हरिओम भाई को कॉल करा, हरिओम भाई आ रहा है, मैं भी कपड़े चेंज करता हूँ और गाड़ी की सर्विसिंग करा के लाते हैं। और भाई इतना बाहर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, मतलब अभी सुबह के 9:30-10 बज रहे हैं और अभी 38 या 40 टेम्परेचर है यहाँ का। भाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, तो गाइस क्या करें, पर जाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी की लास्ट डे सर्विसिंग कराते हैं। मेरा प्लान ऐसा है कि अपन गाड़ी शोरूम पे देकर और अपन निकल जाएंगे मूवी देखने के। भाई 2 घंटे में आप क्या करेंगे, टाइम पास कुछ करना होगा, कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो प्लान तो ऐसे ही है। हरिओम भाई को यही बोला है, तो मैं उठाता हूँ गाड़ी और हरिओम भाई को उठाते घर से उनके और फिर निकलते डायरेक्ट गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तेनू जान नहीं देना, तेनू कोल वे मैं रखा सोनिए, तेनू जान नहीं देना, तेनू जान नहीं देना, तेनू कोल वे मैं रखा अज वे। प्रोमो कन से अंदर ले लीजो, अरे वो जूडियो कन से करो। A few minutes later. अब का चला? So guys, यहाँ गाड़ी दे दी अपनी सर्विस पे, अब निकलते चलते यहाँ से। टेम्पो ला, पहली बार बैठो हो जिंदगी में टेम्पो में। हाँ तो गाइस चल चल के पहुँच चुके 2 किलोमीटर पहुँच के लिशा टाकेज। हम मूवी यहाँ बहुत ठंड लग रही है हमको, ये समझ नहीं आया मेरे। गगन यादव पहलवान गाइस गाइस हम मूवी देखते हैं, भाई गाड़ी की सर्विसिंग में लगेंगे 2 घंटे, तो 2 घंटे क्या करें, पिक्चर देखते हैं, आधी देखेंगे तो मूवी देखेंगे। तो अब चलते हैं, टिकट लेते, पता नहीं कौन सी मूवी लग रही पर देखते हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं मूवी। लॉक है ऑडिटोरियम बन की है 2 की, अरे सिनेमा वन की है ना भैयू, ये देख टाइम कहीं है 12 बजे से, अभी तो टाइम है। तो गाइस 12 बजे मूवी चालू हुई है, लिया है गाइस, ये देखना है अपन श्रीकांत। वन इटर्निटी लेटर गाइस देख लिए मूवी, अब चलते हैं घर, गाड़ी उठाते हैं। तो गाइस अभी अपन मूवी देख के आ चुके हैं, शोरूम पे पहुंच चुके हैं, अपनी गाड़ी सर्विस में हुई है, हरिओम भाई टेस्ट ड्राइव लेने गया, उसका चलते घर और चेक करके आते हैं। तो सब कुछ हो चुका है, घर निकलते हैं। और भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, इतनी गर्मी है क्या बोले, ऐसे रहना पड़ रहा है गर्मी में, ऐसे समझ रहे हो बात को। मैं तो सोच के आया था 3-3.5 हज़ार रुपये लगेगा, तो इसके सस्ता कपड़ा लेके चलेंगे। निकल चुके हैं, अब कुछ नाश्ता करते हैं। भाई 3 बज गए, कुछ नहीं खाए। और सर्विसिंग कितने लगे, मात्र 120 रुपये, क्योंकि गाइस फ्री सर्विसिंग थी, करवा चुके हैं काम अपना, डन सर्विसिंग डन। अब आवाज़ नहीं कर रही गाड़ी, आगे आवाज़ करती तो देखेंगे। ये भैया राइडर पास न तू, खुद में अब खोया मैं रहता हूँ, दिन रात अब खुद से मैं कहता हूँ, जब जब तेरे बारे में मैं लिखता हूँ।
टोल के पास। भाई प्यास बहुत तेज लगी, इतनी तेज धूप पड़ रही, गाड़ी सर्विसिंग करा ली उसका नहीं रुके भाई, इतनी तेज धूप पड़ रही है ना, क्या बताए भाई, हाल बेहाल है। इतनी गर्मी में कहीं बाहर निकलना मतलब पाप है पाप। अब चलते घर की तरफ, वो हरिओम भाई आ जाए वहाँ से, उसके बाद घर की तरफ चलते, घर पहुँचते सोएंगे। एक घंटे बाद कोचिंग में जाना है मेरे को, बड़ी परेशानी। सर्विसिंग करा, हम गाड़ी पटक गए सर्विसिंग के लिए, उसके बाद हम निकल गए मूवी देखने। अभी नहीं आई थी ना कौन सी, शीशकान, वो मूवी देखी। रियल लाइफ रेस मूवी है, ठीक ठाक थी, पर भाई जो क्रेज एनिमल लेके पुष्पा इन मूवी के लिए क्रेज था वो क्रेज नहीं था, मूवी अच्छी थी। हाँ आप चलते बन गए थे, मूवी बड़ी थी, पसंद आई मेरे को तो। और बाकी गाड़ी सर्विस हो चुकी है पूरी, देख सकते हो ये अपन ने वॉश भी करा दी, क्योंकि ब्रेक शू आवाज़ करा था यहाँ सर्विस के लिए, बता रहा था मैंने कहा करवा लो, 15,000 किलोमीटर पूरे हो गए गाड़ी के। तो कैसे सभी गाइस, अभी सुबह के 11 बजे और भाई सुबह से ब्लॉग भी शूट नहीं करो, इतने परेशान हो गए। नेक्स्ट डे कल हमने अपनी गाड़ी सर्विसिंग कराने गए थे, उसके बाद घर आ गया था मैं, उसके बाद सो गया, इतनी तेज नींद आई थी ना वहाँ से आके, थक गया था। तो डायरेक्ट सुबह उठा, खाना खाना कुछ नहीं खाया, हाँ उठा, उसके बाद सुबह से काम में लगे, क्योंकि आज छत डल रहा है तो चलते पीछे छत डलने लग गए। मैं नीचे आया था आपको दिखाता हूँ, है ना, चलते हैं। एक बार मैं कि कर गल नाल अनबन हो दूर और कुछ शेम नहीं, मैं कितने बहुत एफर्ट्स, हौले हौले कई चीज़ हो गई यानी एंड अप, सब कुछ मैनू लगता है ग्रैप अप, यारी आज असी कदे रखे यानी बैकअप, टू गिव बर्न मी, तेरे बिन चाहता है कुछ और नहीं, दुनिया में मैनू कहती है कठोर पर आज पता लगा कि मैं किन्ना कमज़ोर। तो गाइस मैं अभी नीचे आ गया, ऊपर छत डल रहा है, तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है क्योंकि अब मेरा ये मतलब ये ब्लॉग आप देखो बड़ा जाएगा, कभी अभी शूट कर देख सकते हो, आवाज़ भी आ रही है, कुछ शूट करने लाइक भी नहीं है, दिन भर छत में हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस ब्लॉग के बाद से आपको नेक्स्ट वीक से, मतलब आप ये ब्लॉग कब देख रहे हो, ब्लॉग तो आप बहुत बाद में देखोगे, डोंट नो, पर इस ब्लॉग के मतलब जैसे मैं कभी किसी वीक में डालूँ, वैसे मैं सैटरडे को डाल रहा हूँ, संडे को डाल रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीक जैसे मंडे से, नेक्स्ट वीक से आपको ब्लॉग परमानेंट मिलेंगी, ये मेरा वादा है और आपका भाई का वादा, मतलब वादा। तो जब तक लिए ध्यान रखें और चैनल को प्रमोट करें, क्योंकि भाई सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ, कम से कम 1,000 तो करवाओ भाई के सब्सक्राइबर, क्या कर रहा हूँ।